मुझे आज डॉक्टरेट की डिग्री जो हॉनरी होती है वो सॉर्बन इंस्टीट्यूट है, जो एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर एक डॉक्टरेट की दे के एक इज्जत बख्शी है मेरे बारे। और मेरे को मुझे जो ये लग रहा है कि आदमी को चाहे जो भी चाहे करना चाह सकता है, अचीव कर सकता है, वो कर सकता है। और शायद मैं एजुकेशन नहीं ले पाया, पर आज मुझे डॉक्टर बनने के लिए फ़ख्र हो रहा है कि आज मैं अपने बच्चों को, मेरे पोतों को ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू अचीव इट। थैंक्स। सर, आपने बोला पढ़ाई नहीं करा, लेकिन आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, आप गिने चुने लोगों में आपकी गिनती आती है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी है और दिमाग सबसे बड़ी जो है। सर, बिजनेसमैन की बात अलग है, क्योंकि क्या है, रुपया लगाया, रुपया कमाया, बट उससे ज़्यादा जो है मेहनत की है, और मेहनत करके आज इस यहाँ तक पहुँचे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कहा जाता है कि हर इंसान की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई एक औरत होती है, एंड शी स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड विद मी एक्चुअली, और बिसाइड मी, सॉरी, नॉट बिहाइंड। और दूसरी बात यह है कि देखो, शी इज़ अ बेटर हाफ, मीन्स आज के सारे अवार्ड भी बेटर हाफ मीन्स बेटर हाफ में चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? सर डिजर्व करते हैं, जो उनका ड्रीम था, जो उनका सक्सेस है, अप्रिशिएट, इट्स माय हॉनर, इट्स माय क्या कहें, ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय हस्बैंड। That's it. कितना प्राउड फील करते हैं आप? वेरी मच। कामयाबी जो यहाँ तक है। वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच प्राउड ऑफ हिम, वेरी मच प्राउड। टिमी जी का नाम कुछ खास बिजनेसमैन में आता है मुंबई की अगर बात करें, सिख कम्युनिटी की अगर बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक नीचे से उठे, जमीन से उठे, आप सब बोलते हैं अपनी कहानी जो है, स्ट्रगल की जो जिंदगी है यहाँ तक पहुँचा। सी, इन्होंने जो लाइफ देखी है और उन्होंने जो वैल्यू किया है, उन्होंने जो हार्डशिप देखी है, और जो उनका दिल है, ही सो डाउन टू अर्थ, और जो वो सोसाइटी के लिए करते हैं, वो बहुत बड़ी एक, हर किसी को रब ने ये नहीं दिया है, जो इनको रब ने दिया है वो करते हैं, जो उनको मिलता है उतना ही वो अपनी सोसाइटी को गिव अप करते हैं। दैट्स अ बिगेस्ट थिंग, यू नो, वी कैन से। माई दादू इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टू द होल सोसाइटी, एंड या वी ऑल लव हिम अ लॉट बिकॉज ही कैन डू एनीथिंग फॉर आवर फैमिली। आप बोलो जान। आई लव माई दादू, ही इज़ द बेस्ट फ्रॉम माई फैमिली, एंड आई रियली लव हिम। मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड हूँ दादू से। सर, अगर आप देखा जाए तो हर फादर चाहेगा कि उसका जो बेटा है उसकी हाइट उसकी बिजनेस में हमेशा ऊंचा ही रहे, और ऊंचा करने की कोशिश करेगा। तो ऑलरेडी ब्लेस विद हिम विद अ गुड हाइट ऑल्सो, थैंक सो मच। सर, क्या कहना चाहेंगे? पापा को मिला है, अवार्ड मिला है डॉक्टरेट का, ये तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। हाँ, सो एक्चुअली I can't be much prouder son, like I've got a father like him, and it's like another feather in his cap, and as always we are very proud of him, and may God give him like more awards like him, more recognition like him. Aur kuch kehna chahenge aap iske alawa? Aaj kitna khushi ka din hai, puri family aayi hai yahan. Yeah, so all my kids are with my brother, my bhabhi, my wife, everybody is here, and it's a very special event, and we are very honored and very proud of him, very very proud, super proud. ये बहुत अच्छी सेरेमनी है, और इसके अंदर आदमी को प्रोत्साहन मिलता है जब जीवन में वो कुछ अचीव करता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, और जब उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है तो आदमी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। टिमी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? टिमी जी जो सोशल वर्क करते हैं उसके बारे में। टिमी जी जो सोशल वर्क करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करने के लिए करते हैं, टिमी जी जो करते हैं दिल से करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, या मेरे को कौन सी पीआर मिलने वाली है, या मुझे कहाँ पर इसका बेनिफिट मिलने वाला है, या एज मिलने वाला है। तो इनके बारे में कुछ भी कहना, मतलब मेरे शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे इन कर्मों के आगे, इन जो कृत करते हैं उनके आगे मेरे बहुत छोटे शब्द पड़ जाएंगे। प्रदीप जी, टिमी जी का जो जहाँ तक मैं अपने एक पर्सनल व्यूज देना चाहूँगा, ये डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनली भी इज क्वाइट फेमस, बिकॉज आई रिमेंबर अमंग फ्यू ऑफ पीपल जब लोगों ने एग्जांपल दिया टिमी जी का कि भाई इस तरीके के सोशल वर्क कोई हमारे ऐसी कम्युनिटी से हैं, तो जब नाम रिकॉल हुआ टिमी जी, तो टिमी जी का अपना एक रुतबा
और जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ है वो देश में नहीं विदेशों में भी काफ़ी चर्चित है। हरविंदर पाल टीमी मेहता इज़ अ वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन। इनके डिक्शनरी में नो ऐसा नहीं है कभी। अपॉर्चुनिटीज़ और हेल्पिंग नेचर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस थिंग्स इन हिम। डॉक्टर और डॉक्टरेट गिवन टू हिम इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स मोर ऑफ गिविंग हिम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच ही विल शोल्डर, एंड आई विश हिम गुड लक फॉर द सेम। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज मेरी यूनिवर्सिटी ने एग्जीक्यूटिव डिग्री दी है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये एक सबसे बड़ा प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है हम जैसे यंग एंटरप्रेनर्स के लिए जो कि मेक इन इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज जो ये चीज़ें ऑनर होती हैं, इसे हम और अपना काम बढ़ा सकते हैं और इंडिया को और मेक इन इंडिया बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी को बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज हमें ये ऑनर दिया है, मुझे एक ये ऑनर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है।